तो भाई आज फहद और ऐश्वर्या राय की कहानी सुनते हैं ठीक है तो फहद बड़ा सज के, फहद बड़ा सज के ऐश्वर्या राय की गलियों में घूम रहा था ऐश्वर्या राय अपने छत पे खड़ी ठीक है बड़ा जल्दी समझ में आएगा देखना अभी आप फहद बेचारा परफ्यूम वर्फ्यूम मार के उसकी गलियों में घूम रहा था अचानक से फहद की नजर ऐश्वर्या राय पे पड़ी सलमान खान नीचे खड़ा था और ऊपर से अभिषेक बच्चन भी था ठीक है और अमिताभ बच्चन आसपास ही घूम रहा था अच्छा मेरे बहू पे नजर है तो जैसे ही नजर पड़ी तो फहद को ये बात समझ में नहीं आई अच्छा कि जिस एंगल से मैं इसको देख रहा हूं यही एंगल ऑफ एलिवेशन है जिस एंगल से मैं ऐश्वर्या राय को देख रहा हूं यही एंगल ऑफ एलिवेशन है और खास बात जिस लाइन से मैं देख रहा हूं इसी को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं तिरछी समझ में है है ये हमारा लाइन ऑफ साइट तो पूरे चैप्टर दो एंगल्स हैं एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा भाई हमारा लौंडा भी स्मार्ट है ऐसा थोड़ी है अश्वरिया राय को भी दिला गया इस पे ठीक है अगले जन्म में इस जन्म में नहीं अगले जन्म में अफवाद बेचारा वो इंतजार करते रही कि फहद अब आएगा अब आएगा तो फाद जब गुजरा गलियों से तो उसने देखा फाद को तो उसने भी जो देखा वो लाइन ऑफ साइट से ही देखा ठीक है लेकिन अब उसने एंगल ऊपर के हिसाब से बनाया ऊपर के ऑरिजेंटल के हिसाब से तो ये एंगल को कहा गया एंगल ऑफ डिप्रेशन और तब से फाद आज तक डिप्रेशन में है शौर्य राय देख लिया हमें यार तो दो चीजें थी एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा था

ये दोनों लाइन पैरेलल तो ये एंगल क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल समझ में आया अच्छा एक तो ऐसे कहानी से याद रख सकते हैं फहद की कहानी से दूसरी एक और चीज से हम इसको याद रख सकते हैं एलिवेशन और डिप्रेशन को एलिवेटर बनाया गया था एलिवेटर आप देखते अक्सर मॉल में होता होगा जो कंजूस मॉल है ना वो हमारा जैसे जीवीएम मॉल सस्ता टिकाऊ मॉल है ना ऐसे टिकाऊ मॉल में ना आपको ना जो स्किलेटर्स है ना वो सिर्फ नीचे से ऊपर जाने वाले हैं ऊपर से नीचे आने वाले नहीं मिलेंगे एक और हमारा एक और मॉल है कौन सा है छुटकू सा मॉल उधर है यार विशाल मॉल जी हाँ जी मार्टे वी मार्टी सि करके अभी तो सिटी मॉल नया खुला हुआ है अलीगढ़ में पता नहीं कब कब मॉल के दर्शन होंगे अलीगढ़ में तो उस मॉल्स में क्या होता तो है ऊपर और नीचे दोनों आने का होता है वैसे कहते हैं चढ़ना ज्यादा आसान है उतरना उतरना इसीलिए वो लोग कंजूस लोग कहते हैं भाई हम उतरने वाला सीढ़ी नहीं देंगे हम चढ़ने वाला सीढ़ी देंगे तो स्क्रेटर का काम था नीचे से चीजों को ऊपर ले जाना एलिवेट करना एलिवेटर का भी काम है ना एलिवेटर लगाया कि नहीं लिफ्ट लगाया कि नहीं जो आप वर्ड बोलते हो ना लिफ्ट दैट इज एक्सपी एलिवेटर्स उसको एलिवेटर बोलते हैं तो एलिवेटर का काम था नीचे से ऊपर और वो तो ऊपर से नीचे भी लाता है क्योंकि एलिवेटर जाएगा तो तो आएगा भी तो मैं इसको ऐसे समझ सकते हैं एलिवेटर जो होता है वो एलिवेट करता है यानी एंगल नीचे से ऊपर यानी एलिवेशन एंगल नीचे से ऊपर अच्छा अब आते हैं डिप्रेशन डिप्रेश यानी दबाना तो कहा दबाओगे भाई ऐसे थोड़ी डिप्रेशन डिप्रेशन तो डिप्रेशन एंगल ऊपर से याद रहेगा